हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। जिस सीरीज में हम आपके जितने भी जीके के एमसीक्यू बन सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हें हम करने वाले हैं। अगर आप सूचना सहायक के अलावा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के, तो उन सबके लिए ये जीके कॉमन है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मत्स्य जनपद में कौन सा आधुनिक जिले शामिल हैं? तो जो मत्स्य जनपद है, इसमें कौन कौन से आधुनिक जिले शामिल हैं? तो इसमें अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है और करौली आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। तो महाराणा जो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे, इनकी पुत्री कौन थी? इनका नाम क्या था? राजकुमारी और कृष्ण कुमारी। इनका नाम क्या था? राजकुमारी और कृष्ण कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा है, तो कौन सा ऐसा वंश था जिसका कि मेवाड़ पर सबसे अधिक समय तक शासन रहा है? तो वो आपका गुहिलिया वंश है। ठीक है, आप ऑप्शन खुद से ही पढ़ सकते हैं, ऑप्शन में इसलिए नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन खुद से देख सकते हैं। तो जो गुहिलिया वंश है, इन्होंने सबसे अधिक समय तक मेवाड़ में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जगलधर बादशाह किसे कहा जाता है यहाँ पे? तो कर्ण सिंह जो थे, इन्हें जगलधर बादशाह भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेतों की प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो जो जुते हुए खेत थे, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं राजस्थान में? तो ये आपके मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, आपको पहले से ये भी पता होगा कि आपको कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1734 ईस्वी में, ठीक है, जुलाई 1734 ईस्वी को हूरणा में सम्मेलन आयोजित हुआ था। हूरणा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? ठीक है, तो मेवाड़ के किस शासक ने हूरणा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? कब की थी ये? कब हुआ था? 1734 में। तो इसकी अध्यक्षता जो थी, ये महाराणा जगत सिंह ने की थी। ठीक है, तो महाराणा जगत सिंह का नाम आप यहाँ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा, जो तराइन का प्रथम युद्ध था, इसका क्या परिणाम रहा है? तो इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, जो तराइन का प्रथम युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये बदन सिंह थे। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे बदन सिंह का, कि बदन सिंह जो थे, इन्होंने डीग में जल महल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ, जिसे कि विजय स्तंभ भी कहा जाता है, का निर्माता था? ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को का निर्माण किसने कराया था? तो ये राणा कुंभा ने कराया था। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ, या जिसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जयपुर के किस शासक को फरंद बेटा की उपाधि व 7000 का मनसब प्रदान किया था? ठीक है, तो ये कौन थे जिन्होंने यहाँ पे फरजंद या फिर बेटा जिसे कहते हैं, ठीक है, इसकी उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने जयपुर के किस शासक को फरजंद या फिर जय बेटा की उपाधि दी थी व 7000 के 7000 का जो है मनसब प्रदान किया था? तो वो कौन थे? ये आपके मानसिंह थे। ठीक है, तो मानसिंह का नाम यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये मानसिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 को ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो 18 जून 1576 की आप डेट याद रखेंगे कि इसमें हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था? तो जो पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता थे यहाँ पर जयानक। ठीक है, जयानक जो थे, ये पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलते हैं? तो राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो किससे मिलते हैं? वो घोसुंडी से मिलते हैं। ठीक है, किससे मिलते? तो ये आप यहाँ पे घोसुंडी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो जो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो को किसने लिखी है? तो ये पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रप्रदाई ने लिखी है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रप्रदाई ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से है? ठीक है, तो नागौर का संबंध जो है मध्यकाल में जो सूफी संत थे इनसे है, हमीमुद्दीन नागौरी से है। ठीक है, हमीमुद्दीन नागौरी जो है वो एक सूफी संत थे जिनका संबंध नागौर से है। ठीक है, नागौर का संबंध मध्यकाल में हमीमुद्दीन नागौरी से है जो कि एक सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो जालौर के चौहान वंश थे इनका संस्थापक कौन था? तो इनके संस्थापक जो थे ये कीर्तिपाल थे। ठीक है, तो यहाँ कीर्तिपाल का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स टॉन ने किसी राठौरों का यूलिसेस कहा है? ठीक है, तो जेम्स टॉन ने किसी राठौरों का यूलिसेस कहा है? तो ये इन्होंने दुर्गादास को कहा है। ठीक है, दुर्गादास को इन्होंने जेम्स टॉन ने राठौरों का यूलिसेस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम जो नाम थे, ठीक है, जैसे पुराने नाम थे, इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्प कौन था? ठीक है, जो रणकपुर के जैन मंदिर थे इनके शिल्पी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये आपके कौन थे? देपाक थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देपाक का नाम याद रखेंगे। जो देपाक थे वो रणकपुर के जैन मंदिरों के शिल्पी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉन द्वारा रचित एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, प्रकाशन इनका हुआ था तो कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो 1829 में किया गया था। तो 1829 में किसका प्रकाशन किया गया था आपसे पूछा जा सकता है, तो एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान का जो किसने किया था, कर्नल जेम्स टॉन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था 1800 ईस्वी में सबसे पहले, तो ये हुआ था आपका जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जो जॉर्ज थॉमस ने इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि माग ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? ठीक है, तो इन्होंने शिशुपाल वंश की जो रचना की थी कवि माग ने, ये भीनमाल ने इन्होंने की थी। तो आप भीनमाल का नाम याद रखेंगे कि जो भीनमाल जगह है यहाँ पे कवि माग ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? डूंगरपुर हुआ बांसवाड़ा सम्मिलित है। ठीक है, तो बागड़ क्षेत्र है, इसमें आपका डूंगरपुर आता है और बांसवाड़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगलाने की भट्टियां निम्न में से किस सभ्यता स्थान से प्राप्त हुई है? तो जो लोहा होता है, लोह गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से मिली है, कहाँ से मिली है? तो ये आपकी सुनारी झुंझुनू से मिली है। ठीक है, सुनारी झुंझुनू में एक जगह है सुनारी, जहाँ से प्राप्त हुई है लोह गलाने की भट्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीनी यात्री हवेन सांग ने कहां की यात्रा की थी? जो चीनी यात्री थे हवेन सांग, इन्होंने भीनमाल की यात्रा की थी। ठीक है, भीनमाल की यात्रा में आप भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थान को माना जाता है? ठीक है, तो भारत के अंदर ताम्र सभ्यताएं थी, इनकी जननी माना जाता है गणेश्वर सीकर में। ठीक है, सीकर में जो जगह है गणेश्वर, इसे माना जाता है। दाऊदी बोहरा, जो दाऊदी बोहरा है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो दाऊदी बोहरा है, इसका इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे है? गलिया कोटा में है। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे है? गलिया कोटा में, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति की मत्स्य जात का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? तो मत्स्य जाति का जो उल्लेख है सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये आपसे पूछा गया है, तो ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का जो उल्लेख है सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? ये राय सिंह को कहा जाता है। ठीक है, ये राय सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? राजस्थान में मरुस्थल से पहले क्या था? तो यहाँ पे मरुस्थल से पहले राजस्थान में क्या हुआ करते थे? तो मरुस्थल से पहले राजस्थान में समुद्र हुआ करते थे। ठीक है, राजस्थान में मरुस्थल में पहले क्या होते थे? समुद्र होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो रूठी रानी के नाम से रानी उमादी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो रानी उमादी है, ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के सेनापतियों जैता और कुंपा की वीरता से प्रभावित होकर किस शासक ने कहा, किस शासक को कहना पड़ा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, देखिए किसने कहा था, ये शेर शाह ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बात शेर शाह ने कही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 30+ क्वेश्चन थे, तो इनको यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए, वो सारे हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी MCQ बन सकते हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।